सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल में ऑडासिटी जो विंडोज़ वाला है वो एंड्रॉयड में किस प्रकार चला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो है क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है और उसमें आपको एक नया टैब खोलना है और वहाँ लिखना है turbo.net और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आपके सामने ये जो साइट है ये खुल जाएगी, इसके बाद में आपको जो है वो साइन इन कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप चाहें तो इसकी एप्लीकेशन भी जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं turbo.net की। ये जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ प्ले स्टोर ओपन करके, ये है सिर्फ 6 MB की है। इसे आप डाउनलोड करके पूरा मोबाइल के अंदर ही सेटअप आ जाएगा। इसके बाद में अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो भी आप वो ऐप को चला सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से ऑप्शन मिल रहे हैं बहुत सारे कि आपको कौन सी ऐप चलानी है, ब्राउज़र वाली या और कोई सी। तो यहाँ मैं ओपन डैशबोर्ड करता हूँ अभी। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो यहाँ जो है वो मैं मेरे जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ आ जाएगी कि कौन सी एप्लीकेशन मैंने ऊपर ऐड करके रखी है। तो इसी में मैंने ऑडोसिटी को जो है ऐड करके रख लिया। ये देखिए, जो आपको सबसे पहली जो ऐप दिख रही है एप्लीकेशंस में वो है ऑडोसिटी। थोड़ा लोड हो जाने देते हैं उसका आइकन, जो आप भी समझ सके कि ओरिजिनल है। तो ये है क्रोम वगैरह और इसमें बहुत सारी पुटी एलेप्स। तो ये देखिए, वो ऑडोसिटी खुल गया। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में ये थोड़ा सा समय लेगा, 2 सेकेंड का, और इसके बाद में आपका जो है विंडो प्रोफाइल ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके आपका जो सेटअप है उसको सेशन को स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा वेट करना आपको, 2 या 4 सेकेंड तक स्टार्टिंग सेशन, और ये जो है ऑडासिटी ओपन हो गया। अब आपको एक ऊपर दिख रही होगी ये जो एरो जैसा है, तो ये एरो से आपको इसको चलाना है। तो ये देखिए, ये पूरा जो ऑडासिटी जो है वो खुल गया। ये देखिए, ये कर्जर को मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वहाँ जा रही है। अब आपको ये जो है पूरा ऑडासिटी आप यहाँ चला सक रहे हैं, आपको सभी ऑप्शंस जो है वो मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको जो भी फाइल लेके आना वो यहाँ से फाइल पे क्लिक करें और ओपन में चल जाए। इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है अपना जो ड्रॉप बॉक्स है उससे फाइलें जो है यहाँ ऐड कर लेनी, और ये डेस्कटॉप के इस वाले दिस पीसी में जाना है आपको। और दिस पीसी में जो ड्राइव टी आ रही है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ड्राइव टी, इसे आपको जो है ओपन करना है। और अपना जो आपका वो आता है ड्रॉप बॉक्स, उसमें आप जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे वो चीज़ें जो यहाँ आ जाएंगी। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ भी ऐड नहीं किया इसलिए वो पूरा खाली पड़ा है। तो इसे अभी मैं करता हूँ क्रॉस और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार जो है आप वो अपने जो ड्रॉप बॉक्स है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ आना है, इसके बाद में आपको दबाना है अपनी प्रोफाइल पर, ये गया मैं फाइल्स में, और यहाँ जो देखिए आपको ये कनेक्ट का ऑप्शन जो है इस पे जाना है और यहाँ से अपना ड्रॉप बॉक्स जो है कनेक्ट कर लेना। इसके बाद में आप जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट जो है ये ड्रॉप बॉक्स से कनेक्ट होकर आ जाएगी। और आप जो आपके टी नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर, दिस पीसी के अंदर जाके, टी फोल्डर के अंदर जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कोई सी भी जो ऐप है वो इसमें रन कर सकते हैं। तो इसी बात पे हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, देख कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन, जय हिंद, वंदे मातरम।